अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। आज हमारे चैनल का थर्ड व्लॉग और आज जा रहे हैं बलोच का कुल्फा खाने, बोर्ड बेसन। तो लोकेशन डालते और निकलते हैं, आप सबको बताते हैं, लेट्स गो। A few moments later. तो जैसे कैसे हम लोग निकले बोर्ड बेसन बलोच का कुल्फा खाने पर, मेरे साथ दो मेरे गधे भी थे पर वो मेरे दोस्त थे। गधे थे, मैं गधे कहता हूँ उन्हें, पर वो मेरे दोस्त हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हैं वो दो गधे, पर यहाँ हम लोगों ने अपनी बाइक रोकी और आपको दिखाने चाहिए अपनी शक्लें दिखाकर ये दोनों मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर मैं इनके साथ बैठ ही गया। पर भाई मैंने एक बात नोटिस की, आप आते हैं 6 या 7 मिनट्स की वीडियो देखकर चले जाते हैं, पर भाई ये 6 या 7 मिनट्स की वीडियो हमारे लिए 3 या 4 घंटे की ख्वारी होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा हम कहना कुछ नहीं चाहते, शुक्रिया। तो इस दुकड़े को यहाँ पर हटा देते हैं और अपने कराची की बात करते हैं। कराची का व्यू भी रात के टाइम बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि भाई कराची तो कराची है ना यार, और दोस्तों के साथ कहीं भी जाने का मज़ा अलग ही होता है यार। इन गधों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया मेरे सफ़र का। तो फाइनली हम लोग बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट पहुंच ही गए। फूड स्ट्रीट के अंदर एंटर होते ही भाई मेरे दोस्तों का यही कहना था कि भाई बलोच के पास नहीं चलते, कहीं और चलते। मैंने कहा भाई नहीं, जिस चीज़ का नाम लेकर आया वही खाएँगे और कुछ नहीं खाएँगे। फूड स्ट्रीट तो पहुँच गए थे, बलोच भाई नहीं मिल रहे थे अपने, पर बलोच भाई फाइनली मिल ही गए। इन पर जूम करते हैं, आपको दिखाते हैं, ये देख लें बलोच भाई को। एक सेकेंड, ये तो 1945 से अपनी भाई शॉप चलाते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा की दौर के। पर ये मेरे प्यारे से दोस्त उसी जगह जाकर बैठे जहाँ के मैंने इन्हें मना किया कि भाई तुमने मेरी वीडियो बनानी है, पर इनको किसी तरह भी कर कर आकर उठा ही दिया। आपका भाई यहाँ बैठ गया फिर से, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, जहाँ भी जाता है प्यारा ही लगता है आपका भाई। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया था कि भाई कुल्फ़ा खाने आए थे हम लोग, पर कुल्फ़ा नहीं खाया हम लोगों ने, फालूदा मंगवाया था मेरे दोस्तों ने कहा था। तो ये गधा देखना भी यहाँ से मेरा फालूदा चोरी करे, ये देखें ये गधा मेरा फालूदा खा रहा था, क्योंकि मेरा फालूदा था 370 वाला और इनका फालूदा था 240 वाला। मैंने इन्हें कहा था कि भाई इतना महंगा क्यों मंगवा रहे हो, एक 370 वाला मंगवाते हैं अगर अच्छा लगो और, पर आपके भाई ने यहाँ पहली बार जब ली ना, अरे वाकई बहुत मज़ेदार यार, बहुत मज़ेदार। पर यहाँ मेरे आप इसकी देखो शेयरिंग इज़ अ केयरिंग तो पता था, पर ये भाई किस तरह खा रहा है, पागल हुआ हुआ इसको खाने पे। और दूसरे मेरे दोस्त की हरकतें चेक कर लो, इसने मेरे कॉलेज के ग्रुप में, हमारी फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें वीडियो कॉल कर दी कि भाई अगर तुम लोगों ने भी खाना है तो आ जाओ। हम दोनों तो कप के खा चुके थे, पर ये भाई अभी तक लगा हुआ था, पता नहीं खा रहा क्या था, इसके कप में भी कुछ नहीं था, पर ये खा रहा था खा रहा, पता नहीं ड्राई फ्रूट आ रहे थे इसको क्या मज़ा आ रहा, पर ये लगा हुआ खा रहा था, पागल हुआ हुआ था। इसकी हरकतें चेक कर लें, अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो भाई आखिरकार इसे कप खींचना ही पड़ा, तभी इसने छोड़ा। और यहाँ पर पैसे देने की बारी आ ही गई थी, 1000 के हम लोगों ने 3 फालूदे खाए थे, पर हमें ये नहीं पता था कि इसमें से कुछ वापस भी आ रहा है। तो भाई वापस 140 रुपये पूरे आए थे, 140 रुपये, रुके दिखाता हूँ आपको, ये 140 रुपये। तो इसमें मेरे दोस्त कह रहे थे कि इसमें चलते हैं ओशियन मॉल भाई, कुछ शॉपिंग करेंगे। इनकी हरकतें तो देखो आप लोग, ये ओशियन मॉल चल रहे थे और ये बच्चा बार बार कैमरे में आ रहा था, पता नहीं इसका क्या था, पर इसे भी कैमरे में ले आए फाइनली हम लोग। तो कैमरे में आकर ये बहुत ही खुश हो रहा था, इसके मुँह पर मुस्कुराहट थी। तो फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ निकल गए, व्लॉग को करते हैं एंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बाय बाय।